70 के दशक में बढ़े हुए दांत के साथ मुस्कुराहट बिखेरती मौसमी चटर्जी की तस्वीर आज भी न जाने कितने दर्शकों के जहन में वैसे ही ताजा दम होंगी। सिनेमा का पर्दा गिरे तो अरसा हुआ, लेकिन अब राजनीति का पर्दा उठ गया है। मौसमी ने बकायदा भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। उन्नीस चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और इसी कड़ी का हिस्सा है मौसमी का पार्टी में आगमन। चुनाव में स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों दोनों की ही खासी अहमियत होती है, ये बात भाजपा भी अच्छी तरह समझती है। वैसे मौसमी के लिए राजनीति की राह नई नहीं है, क्योंकि 2004 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर कोलकाता उत्तर पूर्व से लोकसभा चुनाव लड़ा था। 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा दांव खेलना चाहती है। यही वजह है कि वो ममता दीदी के मैदान में ऐसे सिपाह सलारों को इकट्ठा करने में जुटी है जो जनता से सीधे जुड़कर पार्टी के जनाधार को मजबूत करने का काम कर सके। ऐसे में बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा अगर 15 साल बाद मौसमी एक बार फिर चुनावी मैदान में ताल ठोके। इससे पहले बंगाल से ही बाबुल सुप्रियो लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। राजनीति में एक दामन छोड़कर दूसरा दामन थामना कोई बड़ी बात नहीं समझी जाती। 2014 लोकसभा चुनाव में पहले मौसमी ने ममता से मुलाकात कर दीदी की काफी तारीफ भी की थी। ये बात अलग है कि अब भाजपा में शामिल होकर वो पीएम मोदी की तारीफ करते नहीं थकती। 2004 में चुनाव हारने पर उन्होंने वक्त की कमी को जिम्मेदार ठहराया था। अब वो एक बार भाजपा के टिकट पर ताल ठोक सकती हैं। 70 के दशक में मौसमी का शुमार अपने वक्त की बड़ी अभिनेत्रियों में होता था। मौसमी मशहूर संगीतकार हेमंत कुमार की बहू हैं। जयंत कुमार से शादी और बच्चे होने के बाद मौसमी ने बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। उनका असली नाम इंदिरा चटर्जी था, लेकिन मशहूर बंगाली फिल्म निर्देशक तरुण मजुमदार ने बदलकर मौसमी चटर्जी रख दिया। वैसे अगर नाम नहीं बदलती तो भाजपा में एक इंदिरा भी शामिल हो जाती। खैर, मौसमी पहली बार बॉलीवुड के पर्दे पर 1972 में फिल्म अनुराग में नजर आई। इसके बाद 2074 में मौसमी ने रोटी कपड़ा और मकान और बेनाम जैसी सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया। रोटी कपड़ा और मकान के लिए मौसमी को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन मिला। साल 1976 में मौसमी की एक और सुपरहिट फिल्म सबसे बड़ा रुपया प्रदर्शित हुई। मौसमी के करियर में उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा विनोद मेहरा के साथ पसंद की गई। अपनी मुस्कुराहट के दम पर दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली मौसमी को याद रखना होगा कि बंगाल की लड़ाई में ये उनका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। वीडियो डेस्क अमर उजाला .com